हाय अर्जुन, क्या बात है अर्जुन? एक गई दूसरी आई, कोई एक्शन ऑफर चल रहा है क्या? अब कोई जबरदस्ती आके गले पड़े तो उसका दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। हाय, कहाँ थे तुम? चल बाय रक्षक। बहुत देर से ढूंढ रही है क्या? कुछ अलग सी दिख रही हो। आई मीन यू लुकिंग गॉर्जियस। रियली? मैं क्यूट लड़कियों से झूठ नहीं बोलता। एक और झूठ। सच बोलने का क्या दोगी? एक स्माइल कल जैसी। अर्जुन, यू आर सो नॉटी। मत देखो। नहीं आशु, देखने तो मुझे। आई डिजर्व इट। देखो, एक दिन भी नहीं हुआ है और दूसरी लड़कियों के साथ जाने लगा है, और वो भी किसके साथ? मारिया, जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। छोड़ो ना यार, जस्ट फॉरगेट इट। वैसे भी अर्जुन मारिया जैसी लड़की को ही डिजर्व करता है। एक्सक्यूज मी, यार अपनी तो निकल पड़ी। क्या कब हो रहा है देखना। अरे भौचाल आ रहा है गुरु, भौचाल। मैं बता रहा हूँ, हमारी टेनिस की लड़कियों का रेजिमेंटेशन हो रहा है और वो भी आ रही है पहनने के लिए डॉर्मेट्री में। पड़ोस में से 24 घंटे लड़कियों के परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू है। लड़कियों वाली पूछ लेते हैं ना। वैसे सपने में चेहरा तो देखा नहीं होगा आपने, अब परफ्यूम तो सूंघ ही नहीं होंगे ना। अब चपकर पचास चप्पर चप्पर। अरे वाह, शर्मा गए पांडे जी आप। शर्माएंगे? और ये वैसे जब भी मारिया से मिलते हो तो झगड़ते रहते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, सुधर जाओ, टाइम है, नहीं तो वो अर्जुन लेके जाएगा उसको और आप जो ऐसे हाथ मलते रह जाओगे ऐसे। हम बताएं हाथ कौन मलता है? वो भी रुमाल से। रुमाल कौन सा रुमाल बताई दे। अब तुमको क्या लगता है कि पब्लिक को मालूम नहीं है? पब्लिक को सब पता है कि बेला के पीछे जो है लगे हुए हैं कि उनकी साइकोलॉजी में बैठेंगे। आ हा हा हा, ऐसा 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 ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है, आपसे तो अच्छा ही हूँ, कम से कम उस मारिया के पीछे तो नहीं भागता मैं। चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखा दो। हाँ हाँ हाँ, कमाल है। एक लड़की सपने में इतने दिनों से आ रही है, उसका घूंघट तक नहीं देख पाया। आपकी भाषा में बोलूंगा, एक काम करियो, गुड़ और चने खा लीजिए और तेज भागेंगे। साक्षी भी आ रही है डॉम में रहने के लिए। तुम दोनों ने मुझे सिर्फ एक खिलौना बना रखा है कि जब जहाँ पास ले आए जब जहाँ ठुकरा दिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे? कुछ नहीं, ऐसे। प्लीज आई एम सो सॉरी। ओके एक काम करते हैं, मैं एक बार देख ले पर दवाई। मुझे पता है मुझे क्या करना है। I'm sorry, वो एक्चुअली सुबह से मेरा मूड खराब है। कोई खास वजह? साक्षी। साक्षी उसे क्या हुआ?
वो आपका कैप्टन है ना अर्जुन, वो उसके लाइफ पर राज करना चाहता है और वो उसे करने दे रही है। वैसे उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। साक्षी में बहुत पोटेंशियल एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनने का, लेकिन जब मैं इन लड़कियों को अपनी जिंदगी में बेवकूफिया करते देखती हूँ ना, तो मुझे अपने बीते दिन याद आते हैं। मैंने भी एक लड़के के लिए टेनिस छोड़ दिया था, अपने सारे सपने अपना एम्बिशन सब उस पर कुर्बान कर दिया था। एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बन सकती थी, एक कोच बनता रह गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस लड़के को अपनी जिंदगी पर हावी होने दिया। मैं बस ये कह रही थी कि जब मैं साक्षी को देखती हूँ तो मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। मैंने भी लाइफ में गलती की, जिसकी कीमत मैं आज तक चुका रहा हूँ। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अब तुम भी हमारे साथ यहाँ डॉम में रहोगी। Now this is your home। चलो शाबाश। अरे बाकी जी इसे ना मेरे बेड के वहाँ लगवा दीजिए। आपके बेड के पास? जी ठीक है, वैसे भी बाकी फुल है। चलो चलो जल्दी। कमाल है भाई, नए फ्लेवर्स ऑफ द मंथ के लिए लोग अपने पुराने दोस्तों को भूल रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है। बट स्पिरी तुम भूल रहे हो वो दिन जब तुमसे कोई बात भी नहीं करता था। मारिया तुम्हें नहीं लग रहा तुम ज्यादा ही बोल रही हो? रियली? ओह, आई डिडंट नो। वैसे तुम्हें इस बेचारी पे हमेशा इतना तरस क्यों आता है? हाँ, आई एम सो स्टूपिड, मैं तो भूल ही गई नकुल के पास जाने का यही तो एक रास्ता था। राइट वैसे ही जैसे अर्जुन तुम्हें यूज कर रहा है साक्षी को जलाने के लिए, है ना? What do you mean by that? देखो मारिया, just be careful, okay? अर्जुन तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। Oh, baby. I can understand your problem. अंगूर दूर से खट्टे ही लगेंगे ना तुम्हें। I know, होता है। ऐसी कोई बात नहीं, okay? Please. बात सिर्फ ऐसी है कि both of you are jealous. तुम दोनों जल रही हो मुझसे। Jealous? यार right. इनफैक्ट मैं तो यही चाहूंगी कि कोई भी लड़की अर्जुन के जाल में ना फंस जाए। साक्षी की हालत नहीं देखी क्या तुमने? Come on, sweetie. ये तो अपनी अपनी किस्मत है और फिर लड़की पे भी तो डिपेंड करता है ना? I can understand your concern. Oh, you don't worry. Arjun is completely in safe hands now. I pity you. तुम अपने आप पे पिटी खाओ डार्लिंग, और मेरी टेंशन लेना छोड़ दो। अर्जुन ये क्या? ओह ये डैड, कुछ नहीं, जरा सा स्क्रैच लग गया था। अपना ध्यान रखो बेटा, आई मिस यू। अभी मुझको सिर्फ एक दिन हुआ यहाँ आए। हाँ पर मुझसे रहा नहीं गया। आई वांट टू टॉक टू यू, कम। देखो बेटा तुम यहाँ अकेले रह रहे हो मुझसे दूर। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई तुम्हें परेशान करे। मुझे कौन परेशान करेगा डैड? देखो
मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। लड़कियां तो आती जाती रहेंगी। वेल डैड, साक्षी और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। ट्रस्ट मी, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। दैट्स बेटर। हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी को यह मत समझने देना कि तुम हर्ट या अपसेट हो। कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सके। मैं आपका बेटा हूं डैड, आई बी फाइन। खैर, तुम अपनी पोजीशन बना रहे हो, वही पोजीशन जो नकुल तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारी पोजीशन है अर्जुन, उसे बनाए रखना। मैं वही कर रहा हूं डैड। जैसे मैंने कहा, वक्त और लोग देख कर तुम सबको अपनी तरफ खींचते रहो, टीम में अपनी फैन फॉलोइंग बना लो, बाकी मैं देख लूंगा। जैसे कि नकुल का इस अकेडमी से पत्ता काट देना। अर्जुन, नहीं, तुम इस सब से दूर रहना। तुम्हारा नाम क्लीन होना चाहिए, राइट? राइट डैड। गुड, गुड, तुम सीख रहे हो। जैसे कि आज तुम सबसे पहले फील्ड पर पहुंच गए। कोच को इंप्रेस करते रहना ऐसे, ताकि दूसरों के लिए वो तुम्हें एक एग्जाम्पल बना दे। रिमेंबर, माइंड गेम यहां से खेलो। नो डैड, और सच कहूं तो अब मजा भी आ रहा है। वेरी गुड, और भी मजा आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे और जर्सी नंबर 10 के बीच किसी को आने नहीं दूंगा। अरे पांडे लो, कोल्ड बॉट कोई नहीं सुनेगा, बोलो ना। अरे क्या बोले? एक मिनट शावर चला दो। चलाई दी। हाँ, फिर का भी और का। कहाँ से आ रहा है? कार का आ रहा है, टावर से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? कितनी देर रहेगा? अरे पकड़ो, कितनी देर का रहिए, जितनी देर चलिए उतनी देर रहिए कि नहीं। अरे तुम चुप रहो ना। नहीं, तुम नहीं, तुम बोलो। कहाँ चुप रहो, बोलो। है कहाँ कह रहा भैया? पता नहीं यार, मेरे बगल वाले क्यूबिकल में कोई इडियट खड़ा है। जब भी मैं तुम्हें कुछ बोलता हूँ वो इडियट उसका जवाब दे रहा है। अरे ए, ए, इडियट किसको बोल रहा है? अरे तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें समझे ना। हाँ, अरे ज्यादा पकाई आ रही है बाहर, इसको बताइए तुमको। अरे एक बात बोलना जरूरी है क्या तेरे को? सादा चीनी, अपने काम से काम रखना। पहले बताए होते ना, फोटो लगे हुए हो, जाना होना का आइए होते हम भी। अरे तो अरे छूटा कि तुम ये लड़के कहां से आ रहे? अरे वो लोग साबर ले रहे, साबर। पिछले एक घंटे से कर क्या रहे ये लोग? रगड़ रगड़ के नहा रहे होंगे और क्या। मुझे जाके देखना होगा। मैंने तो पहले कभी नहीं किया।
छोड़ दो ना। लगता है ये लड़के बिल्कुल रेस्टलेस हो गए। देखो तो इनकी उल्टी बंद हो गई। और उनमें से कुछ लोग अभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे और हम उनमें से किसी एक को पकड़ के लड़कियों के शावर रूम में आने के लिए जमकर ब्लैकमेल करेंगे। सारे बॉयज ऑल द वे यहाँ आएंगे। हाँ, हमने अभी पता लगाया है कि उनका शावर लेने का टाइम यही है। अरे साक्षी, तुम ना इन लड़कों को जानती नहीं हो। सब आगे आगे देखो होता है क्या। तो आ जाए कहाँ। प्लीज छोड़ो ना। कसम से बता रही हूँ तो एक दिन पूरी चली जाते कहाँ से जाता है। अरे चलो पीछे की भरोसे देखते चलो जाते चलो दावा लो लड़कियों के शावर में जाकर उतार कर यहाँ बताए कि मैं मेरी समझाक नहीं था। एक काम करते हम लोग पीछे बाजू जाके दरवाजे के नीचे से देखते हैं। ग्रेट आइडिया। चलो 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 चल गुरु कपड़े पहन ले। अरे पांडे जी बनियान तो भीग के पहनो। अरे चुप कर। है वहाँ पिक्चर निकली जा रही है तो क्या बनियान निकली है। अरे पर किसी ने देख लिया तो। देखे भाई साउथ किसी खड़ा कर दिया तो लोग वॉचमैन करा देंगे। यू यू वोटर टेडी और दीपा। मैं खड़े हो जाइए ना पंडित जी। खड़े हो लाडू मैं एक काम करो अदल बदल करके निगरानी करते हैं। यही तो खड़े खा देना कोई यही तुम भी वस्तु चले छपोरी नदी प्लीज कुछ देख लेगा कोई देख लेगा प्लीज चलो जाओ। जोड़ा जोड़ी चल रहा है।